गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ब इट्स काइंड्स पढ़ रहे थे। इसके बाद उसमें एक्सरसाइज नंबर 11, एक्सरसाइज 11, निम्नलिखित वर्ब्स की पास्ट फॉर्म लिखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा वर्ब की चार फॉर्म, प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, दूसरी फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म है एएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ आपको पास्ट फॉर्म माने सेकेंड फॉर्म लिखना। हियर का हर्ड, क्राई का अर्थात इसमें केवल डी जुड़ जाएगा, क्राई में वाई हट करके क्राई, क्राइड, टीच का टॉट, आस्क का आस्क्ड, साइन का सोन, SHON, बिगिन का बिगैन, BEGAN, स्प्रेड का स्प्रेड ही रहेगा, रिंग का रैंग, लर्न का लर्नट, LEARNT, डू का डिड, मेक का मेड, ईट का एट, ATE, गो का वेंट, WENT, बाई का बाट, BOUGHT, स्टार्ट का स्टार्टेड। निम्नलिखित वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। तो थर्ड फॉर्म लिखना है अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। हाइट का हिडन हो जाएगा, HIDDEN, सी का सीन, एब्यूज का एब्यूज, रीड का रेड, रेड होता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, तीनों फॉर्म में पढ़ा जाता है रीड रेड रेड, तो RED ही रहेगा लेकिन रेड पढ़ा जाएगा। फ्लाई का फ्लाई, फ्लू फ्लोन, FLOWN, से का सेड, बीट, बीट का बीटेन, फाइंड का फाउंड, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक लिखा जाएगा, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा, ईट एट ईटेन ईटेन, सेक सुक सेकेन, एन जुड़ जाएगा केवल, हिट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, हिट हिट हिट, एराइज एरोज एराइजन, तो इसमें एन जुड़ जाएगा, एराइजन हो जाएगा, ट्राइड TRIED, वाई हटा करके IED हो जाएगा। ING वर्ब की ING फॉर्म लिखिए। तो इसमें CUT, तो TTING हो जाएगा कुछ में, जब ING जोड़ते हैं तो यहाँ T लास्ट में जो है, जो कॉन्सोनेंट उसके पहले अगर वावल होता है तो डबल, वो कॉन्सोनेंट जो है डबल में बदल जाता है, अर्थात कटिंग में DT हो जाएगा। ओपन ओपनिंग ING, सिटिंग में फिर DT हो जाएगा ING, हेल्प में ING, बाथ का बाथिंग, ई हटा करके ING, लिप का लिविंग, ई हटा करके ING, WEIN, विनिंग, NNING, ट्राई का ट्राइंग, TRYING, एब्यूज का एब्यूजिंग, डाई का डाइंग, यहाँ स्पेलिंग हो जाएगी DYDYING, अर्थात IE हट करके Y हो जाएगा और ING जुड़ जाएगा। राइज रोज राइजन, यहाँ राइजन हो जाएगा, टेक टुक टेकन, तो टेकन लिख दिया जाएगा, सॉरी एब्यूजिंग ING, डाइंग में DYING, राइज राइजिंग होगा, थर्ड फॉर्म में हम नहीं पूछा गया, ING है तो यहाँ पर राइजिंग, RISING, ई हटा करके ING, टेकिंग माने ई हटा करके ING हो जाएगा, टेकिंग, कटिंग ओपनिंग सिटिंग हेल्पिंग बाथिंग लिविंग विनिंग ट्राइंग एब्यूजिंग डाइंग राइजिंग और टेकिंग। निम्नलिखित तालिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति वर्ब्स के उचित फॉर्म लिखकर कीजिए। तो यह दिया गया, देखिए फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म भरना है, सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दिया, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, अर्थात तीन फॉर्म में, यहाँ जो पहले में देखें तो फर्स्ट और सेकंड आपको लिखना, थर्ड फॉर्म दिया है, तो क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, यहाँ क्लीन होगा, यहाँ पे भी ईडी हो जाएगा, और क्लीन क्लीन क्लीन,
यहाँ एराइज, ARISE, जहां यहां लिखा था एराइज, एरोज, एराइजन, बेग, बेग्ड, बेग्ड, डाई, डीवी, यहां जैसे यहां दिया डाई, तो डाई, डाइड, डाइड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, आंसर, आंसर्ड और आंसर्ड, बाइट, बिट, बीटन, यहां जो है हो जाएगा आपका BITE, बाइट, बिट और बीटन, BITEN, ईट, एट, ATE, ईटन, EATEN, फाइट, फॉट, फॉट, FIGHT, FOUGHT रहेगा, यहां भी FOUGHT है, ले, लेड, लेड, LAY होगा, यहां दोनों का लेड रहेगा, सी, सा, यस, यहाँ यस डबल ई, यहाँ यस AW, सी सा, सीन, मेक, मेड, मेड, हैज या हैव, कोई भी लिख सकते हैं, हैज या हैव, अब लिख करके हैड, हैड, दोनों में हैड हैड रहेगा, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, पुल, पुल्ड, पुल्ड, गिव, गेव, गिवन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, वीप, वेप्ट, वेप्ट, यहाँ वीप होगा WEEP, फिर यहाँ भी वेप्ट और वेप्ट, आगे की एक्सरसाइज और आगे वर्ब काइंड हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।